छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा शुरू करते हैं। और सबसे पहली खबर है, शहर में बढ़ती हुई अगवा वारदातों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और ये इजाफा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया है कि कोई भी लानत आपने मुझ पे भेजी है। ने बच्चा अगवा किया है? नहीं, ये लानत उसके लिए है जिसने बच्चा अगवा किया है। सही कह रहे हैं सुसर जी, अल्लाह नेक हिदायत दे उन बच्चे अगवा करने वालों को। अरे यार माफ कर दे, मेरी जान बख्श दे सुसर जी, आप भी आराम करें और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, हो सकता है आग भी लग जाए मेरी। अबे इधर देख, अकल और नजर के अंधे। क्या चैन नहीं है सुसर जी तुम्हें? अरे वो छोड़, ये देख जाके कि वो चादर में किसको लाया है। सुसर जी आप भी टंगे टंगे शक्की होते जा रहे हैं। अरे भाई मुझे तो लड्डू के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं लगे, लगता है कि कोई बच्चा बच्चा अगवा करके लाया है वो। भाई सुसर जी मेरा दामाद इतना घटिया नहीं हो सकता। हाँ भला सुसर से ज्यादा घटिया कैसे हो सकता है वो? बिल्कुल सही कहा सुसर जी, सुसर से ज्यादा घटिया तो चाह कर भी नहीं हो सकता। बकवास बंद करो और जाके लड्डू को देखो। जा रहा हूँ सुसर जी, खामा खाई। कौन है भाई, किसको ले आया ये? अबे यार लड्डू, अबे यार क्या बात है, आज तो बड़ी खामोशी से अंदर आ गया, खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। ये कौन है भाई? कोई नहीं है, मैं हूँ। अबे ये क्या हो रहा है ये? अरे ससुर जी आहिस्ता बोले, आहिस्ता। आहिस्ता नहीं बोलूं यार, तू मुझसे कह रहा आहिस्ता बोलो, तू बच्चे अगवा कर रहा है और मैं आहिस्ता बोलूं? मैं पुलिस को खबर करता हूँ जाके। अरे खुदा का वास्ता है ससुर जी रुके। नहीं रुकूंगा मैं यार, मेरा दामाद बच्चों को अगवा कर रहा है यार। अरे ससुर जी मेरी बात तो सुन ले, मैं अगवा करने वाला नहीं हूँ, अगवा करने से बचाने वाला हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि सुनिए। अच्छा यार तो ये बच्ची किसकी है? बच्ची मुझे क्या पता किसकी, उसको बाहर लेके चलते हैं। अरे ससुर जी गजब कर रहे हैं बाहर, वो अगवा करने वाले बाहर ही तो ढूंढ रहे होंगे इसको। हर बात में तो दम है यार, तो अब क्या करें यार? फिर सोचना पड़ेगा, बैठ के सोचते हैं। आया कुछ? निकल गया यार। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ, अब तो काफी अरसा हो गया मिसेस सुहेल। जी, नहीं, मुझे तो छोटे बच्चे वैसे ही कुछ खास पसंद नहीं है, हर वक्त का रोना धोना, गंद मचाते हैं घर में। जी मेरी हनी, अरे वो तो उसने तो कभी मुझे तंग ही नहीं किया, ना बिला बजा रोती थी, आखिर बेटी किसकी है। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हनी के बच्चे उस जैसे ही होने चाहिए। लेकिन पता है कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ कि अगर दामाद पर चले गए तो क्या होगा। चलें ठीक है, ओके लाफिज। ये गुलाम कहाँ है, आज नजर नहीं आ रहा। गुलाम। अबे यार लड्डू, ऐसा करते हैं कि इस बच्चे के बारे में तानी बेगम को बता देते। क्या कर रहे हैं ससुर जी, अगर मम्मी जी को पता चल गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। प्लान? कैसा प्लान? वही प्लान जो मेरे दिमाग में पल रहा है। पल रहा है? अबे बात सुन, तू ही तो नहीं है वो जो बच्ची को अगवा करने वाला है? अरे वाह ससुर जी,
आप तो मुझे हनी से ज्यादा समझने लगे। क्या इसमें डरने वाली क्या बात है? अबे यार, एक तो बच्ची को अगवा करने की बात कर रहे हो और पूछ रहे हो कि डरने वाली क्या बात है। हाँ तो मुझे बताए ना, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? भाई देख भाई, अगवा बराए तावान करने वाले खानदान में से नहीं हूँ यार। अरे ससुर जी देखिए, इस बच्ची को कोई अगवा करके लेके जा रहा था, ये बात तो आप मानते हैं? मानता हूँ। ये बात भी आप मानते हैं कि इसको अगवा करने वाले बाहर ढूंढ रहे होंगे? मानता हूँ। ये बात भी आप मानते हैं कि अगर हम अगवाकार बनकर इस बच्ची को उसके माँ बाप तक पहुँचा के थोड़ा पैसा ले लेते हैं तो इसमें कोई अर्ज नहीं है? मानता हूँ। ये नहीं मानता भाई। यार लड्डू, तुम्हारा दिमाग खराब है यार क्या? ये मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम उस बच्ची को उसके माँ बाप तक पहुँचा रहे हैं। बच्ची? क्या बच्ची? कैसी बच्ची? कौन सी बच्ची? ये बच्ची? ये बच्ची किसकी है? ये अपने खावन से पूछो। लड्डू, ये किसकी बच्ची है? कसम ले लो, मेरी नहीं है। बाहर गया था, इसको कोई अगवा करके लेके जा रहा था, बचा के मैं इसको घर में ले आया। कुछ दिन घर में रखना चाह रहा हूँ तो ससुर जी मना कर रहे हैं। सच में तुमने ऐसा किया? लड्डू, तुमने कितना अच्छा काम किया ना। और पापा, ये इतनी बड़ी नेकी का काम करने जा रहे हैं, आपने इसके साथ क्यों नहीं दिया? अरे भाई, तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर अब क्या सोचना है, आगे बताएं। हमने काम करते हैं, जब तक हो सकता है इस बच्चे को छुपा लेते हैं। कहाँ कहाँ रखेंगे भाई? हमारे रूम में। तुम्हारा रूम तो युगंडा में है ना, जहाँ आने के लिए तुम्हारी मम्मी को वीजा लेना पड़ेगा। अरे किसी वक्त भी आ जाएंगी यार। अरे रहने दे ससुर जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है आखिरी मरतबा मम्मी जी रूम में कब आई थी। मेरे ख्याल से एक महीने पहले आई थी। हाँ लो, गई बहस पानी में यार। समझा मेरा बच्चा? अरे कितनी प्यारी बच्ची है ना। क्या नाम है आपका? आप मुझसे डर रहे हो? नहीं मेरा बच्चा, आप मुझसे डरो मत। तुम ना मुझे अपनी बड़ी बहन समझ सकती हो। हाँ। ये गुंगी है, बोल ही नहीं सकती है। नहीं है ये गुंगी है? ओ बेचारी। मैं कोई गुंगी मुंगी नहीं हूँ, मेरे दांतों का रूट कनाल हुआ है, इसलिए मुझे डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है। और मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जल्दी कुछ खाने के लिए लाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी, समझ आई? अबे लड्डू, इसको लाके दे कुछ खाने को यार, शोर मचा देगी, शोर। खाओ बेटा खाओ। अरे मैं ये कैसे खा सकती हूँ? जैसे खाते हैं वैसे खा लो। अरे मेरे दांतों का रूट कनाल हुआ है, मैं ये सारी चीजें नहीं खा सकती हूँ। बेटा मेरे पास ना एक ऐसी दवाई है, जो तुम पियोगी ना तो लोहे के चने भी चबा जाओगी। अंकल अभी देखो मेरा बच्चा, ये थोड़ा सा आंख करो, आंख करो, आंख करो। लड्डू 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 लड्डू, ये क्या कर दिया तुमने? अगर ये थोड़ी देर और बोलती रहती ना तो मैं यहाँ पे बेहोश होकर गिरा पड़ा होता। अरे इसे अगर छुपा लिया तो बाद में पकड़े जाएंगे। मैं तो कहता हूँ इस बच्ची को अभी इसके माँ बाप के हवाले कर दो यार। नहीं ससुर जी, मेरा आइडिया बड़ा दमदार है, हम एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। इसे क्या हुआ भाई? इससे ये होगा कि इसके जो वालदैन है वो खुद चलकर हमारे पास आएंगे। वो कैसे? अरे ससुर जी, बस एक बार ये वीडियो वायरल हो जाए, हम सबसे पहले इसका एक प्रोमो शॉट बनाएंगे। जो करना है करो भाई, मैं तो जा रही हूँ। पता नहीं मुझे भी फंसा दिया अपने बीच में, बच्ची और अपने बीच में, हटो यहाँ से। तुम नहीं आओगी वीडियो प्रोमो में? अच्छा ठीक है। हाँ जी, लेकिन यार मैं ही क्यों? क्योंकि ससुर जी आपके पास है डायरेक्टर वाली आंख नहीं है, इसलिए जो बोला गया बिल्कुल वैसा बोल दे, और जैसे ही मैं बोलूंगा क्यों शुरू हो जाना। अच्छा क्यों? क्यों भाई? ये वाला क्यों नहीं, एक्शन वाला क्यों? ठीक है। क्यों? ये बच्ची हमारे पास है, इसके माँ बाप को अगर इसका पता जानना है तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करे। टेडनिंग कट। वाह ससुर जी वाह, क्या शॉट दिया आपने, ऐसी एक्टिंग करते रहे तो मेरी तरह बड़े एक्टर बन जाएंगे। हाँ अगर एक्टर ना बन सका कम से कम तुम्हारी तरह चीटर तो बन जाऊंगा ना। है आपका मतलब मैं चीटर हूँ? नहीं, मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ समझ नहीं। बच्ची हुई किडनैप? अरे अरे ये तो मेरी बबली है, और ये अगवाकार को मैंने कहीं देखा है,
इसका मतलब है मेरी बेटी सच में अगवा हो गई। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैंने अभी अभी सोशल मीडिया पे अपनी बच्ची की वीडियो देखी है। मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है और अगवाकार को मैंने पहचानती हूँ, वो हमारे पड़ोसी हैं। आप प्लीज अपनी टीम को लेकर जल्दी आ जाइए। ससुर जी, मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया। प्लान वो क्या? टीजर अपलोड कर दिया गया है, अब हम इसकी मुकम्मल वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम बच्चा चोर नहीं है, बच्चा बचाऊं। बच्चा बचाऊं? हाँ, और हम ये बताएंगे कि इस बच्ची को बचाने में हमारा 10 लाख का नुकसान हो गया। अच्छा, 10 लाख का? तो अब क्या बच्ची को हम अमेरिका से बचा के लाए क्या? अरे ससुर जी, बीच में मत टोको, मैं किरदार में घुस गया हूँ। देख, अगर ये वीडियो पुलिस वालों ने देख ली ना, तो हमारा वो हशर करेंगे कि हम किसी को बता भी नहीं सकेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यार मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं यार, देखो। अरे सुसर जी, फिक्र मत करें, इस मर्तबा कुछ नहीं होगा। और अगर हुआ तो? मेरा सर मुंड देना। देख ले, पक्की बात है, मैं टिंड बना दूंगा तेरे सर को। अरे टन 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 कर देना, मगर मैं बता रहा हूँ इस मर्तबा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ ठीक है। कौन है भाई? अरे क्या है? मिसेज निजामी। यहाँ कोई मिसेज निजामी नाम की औरत नहीं रहती है, चले। इंस्पेक्टर बेग। क्या इंस्पेक्टर बेग? यहाँ पे ये आदमी भी नहीं रहता इंस्पेक्टर बेग, कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ आए बड़े। अरे भाई अब क्या है? दीदी मैंने आपको बताया ना कि मेरा नाम है इंस्पेक्टर फहमीद बेग। ओ अच्छा, तो आप ऐसा बोलिए ना, आप बिना बातों को घुमा फिरा के कर रहे हैं बस मुझसे। जी बोले। ये बताइए आप इनको जानती हैं? अब हाँ जानती हूँ, ये ना बेग साहब के कुछ नहीं लगते। अरे भाई वो तो हम भी जानते हैं, मैं पूछ रही हूँ ये साहब यहीं रहते हैं? हाँ, आपको मिलना है? हाँ जी। तो सीधा बोले ना, आ जाए अंदर। बीबी इतनी देर से आपसे यही तो पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं हम? हाँ तो आप भी तो सीधे सीधे पूछे ना, मैं बेग में शेख में ये फोन आए घंटे, पता नहीं पापा से मिलना, पता नहीं क्या करना है। पापा आपसे ये लोग मिलने आए। कौन? जा भाई तू अंदर जा भाई। मैं तो जा ही रहा हूँ अंदर। ओ फिक्र ही ना करो बादशाह, हम आपको अंदर ही करने आए। कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी बच्ची को मेरे पड़ोसी ने अगवा किया। क्या अगवा? और उस पर दीदा दिलेरी ये कि बच्ची की वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दी सोशल मीडिया पर। हाँ क्या हो रहा है, कैसा शो हो रहा है ये, क्या हो रहा है बेग साहब? तानी बेगम आपको शर्म आनी चाहिए, लगता है आप ही इनकी सरगना है, आप इनकी हेड है क्या? हाँ हाँ मैं हेड हूँ, मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मगर घर की मालकिन होने में किस बात की शर्म। चलो ए तलाशी लो, बच्ची को तलाश करके लाओ। इंस्पेक्टर साहब लगता है पूरा का पूरा घर गैंग चला रहा है बच्चों को अगवा करने का। क्या अगवा? जी अभी पता चल जाएगा। और इधर भी देखो जाके, और जल्दी करो, ए सीधे खड़े हो, बस शाबाश ले आओ मेरी बच्ची। गुलाब लड्डू ये क्या ड्रामा है? और ड्रामा तो आप लोग समझ रहे थे ना, अब इसका असल क्लाइमेक्स का सीन थाने चल के होगा। बेग साहब आप हमें थाने लेके जा रहे हैं ना? हाँ जी हाँ। तो वहाँ जेल में उस तरह मिल जाएगा उस तरह? ओ, वो क्यों भाई? किसी की टिंड साफ करनी है। नहीं ये तुम्हारी बार बार जेल जाने वाली हरकत है ना, मुझे जरा अच्छी नहीं लगती। कब्बन आ रहा है कब्बन। अरे कब्बन आई है, बब्बन हमें गया। क्या? कब्बन मामू? मैं इस लड़के का इम्तिहान लूंगा तन्नो। रियाजी के अलावा किसी भी मजमून में ले डाले, मुताला पाकिस्तान के ले ले इम्तिहान। उसकी बेटी का रिश्ता खत्म करा के उससे बदला लूंगा, इससे बड़ा तो नहीं है ना। वो तो छुरा लेगी मेरे पीछे बड़ा है। अभी क्या बवाल जान आ गया है हमारे ऊपर यार। चाचू असली में थोड़ी करना है, नकली नकली करना है। कुछ भी हो भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। कब्बन ये लस्सी तेरी जिंदगी की आखिरी लस्सी होगी।
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।